देखिए आदित्य और जोया की अब तक की कहानी सिर्फ वूट पर। डाउनलोड कीजिए वूट ऐप। यश, काश आपने हमसे ये सारी बातें कही होती। याती फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फ्लाइट में होगा। हेलो। हाय पूजा, अब सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आपको सिर्फ इतना बताने के लिए फोन किया था कि आप मेरी लकी चाम हैं। या आपकी पार्टी के बाद जोश इवेंट्स इज फ्लडेड विद ऑफर्स, मतलब हम पूरे महीने के लिए बुक हैं। वेल कांग्रेचुलेशंस। यू नो आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट दिस। आप फ्री हैं अभी? और सेलिब्रेट तो हम जरूर करेंगे। एक्चुअली मेरे पास आपके लिए गिफ्ट भी है। गिफ्ट? आदि को ना मेरी पेंटिंग्स के लिए पोस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट वो काफी इनकरेजिंग है। मुझे बोलता है कि मुझे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाना चाहिए। अच्छा, ऐसे स्ट्रेंजली आदि के अलावा वो आप पहले इंसान हो जिसका मैं ऐसे पोर्ट्रेट बना रही हूँ। कोई ना कोई तो कनेक्शन है। वाओ, कैसी है? दिस इज रियली नाइस पूजा। आदित्य सही बोलते हैं, तुम्हें प्रोफेशनल पेंटर बन जाना चाहिए यार। वाओ, मैं मेरे हस्बैंड के साथ डिनर पे जा रही हूँ। तो अभी रुक जाओ यार थोड़ी देर, अभी तो आई हो अभी। सांसें तेज हो गई, दिल जोरों से धड़कने लगा। उस दिन ऐसा लगा जैसे कि मैं दोबारा जीने लगी हूँ, बस जिंदगी गुजर नहीं रही। रही हो पूजा, ये स्माइल तेरे चेहरे पे किसी और की वजह से है। ये सब ख्याल जो तेरे मन में आ रहे गलत है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पूजा। मैं जोया को बताऊंगा तो उस बेचारे को कुछ समझ में भी नहीं आएगा। कंपनी का बहुत नुकसान हो गया है, बेचनी पड़ेगी मुझे कंपनी शायद। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं पूजा, मैं तुमसे सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। देखो यश, दोस्त ही एक दूसरे की मदद करते हैं। पूजा प्लीज, और मुझे पता है तुम मुझे ना नहीं बोल पाओगे, प्लीज लेट मी हेल्प यू प्लीज। आपसे तुम पर आ गए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं पूजा हम? मुझे नहीं पता,